गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। आज नया टॉपिक लेके आया आपका सामने है, क्लासिफिकेशन ऑफ द आयरन वर्स। मतलब है इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस, सरफेस कलर है जैसा आपको दिखेगा उसी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कलर देख के। अभी सपोज है माइंस के पास है हम आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये लुक लाइक है जो आपको दिखेगा वैसी है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब ये क्लासिफिकेशन कैसा करना है मैं आपको समझाएंगे। एक्चुअली अपना जो ब्लैकिश जैसा वो सरफेस दिखेगा वो मैग्नेटिक वोर है, उसके बाद है रेडर रेडिस जैसा दिखेगा वो वोर है हेमेटाइट आयरन वोर है, ब्राउन वोर जैसा दिखेगा वो लिमोनाइट है, और ग्रे कलर जैसा दिखेगा कार्बोनेट वोर है। मतलब है ये चार हैं आपको आइडेंटिफाई करना, मतलब है आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो अपना वहाँ माइंड्स के पास है जो आपको मिनरल चाहिए वो मिनरल है आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए पहले सरफेस है देख के उसको कलर के थ्रू आइडेंटिफाई करना चाहिए। मतलब है टेस्टिंग है हर तरीका से टेस्टिंग करने से जो कास्ट ऑफ जो माइंड्स डिगिंग है उसका बढ़ जाता है, इसीलिए सबसे पहले अपना फिजिकल प्रॉपर्टी देख के ये डिसाइड लेना चाहिए ये मैग्नेटाइट ओर है हेमेटाइट ओर है और कार्बोनेट है लिमोनेट ओर है, ये सब आपको दिमाग में आना चाहिए। वो जो कंफ्यूज रहेगा उसको अवॉइड करने के लिए मैं वीडियो बना रहा है। अभी इसमें मतलब है मैग्नेटाइट ओर मतलब Fe3O4, मतलब ये मैग्नेटाइट ओर है मतलब ब्लैकिश ओर है, जो ब्लैकिश ओर रहेगा उसमें Fe टोटल ज़्यादा रहेगा। हेमेटाइट आयरन ओर में अभी जनरली न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हेमेटाइट आयरन ओर यूज हो रहा है, जनरली 99% जो आयरन मेकिंग प्रोसेस में हेमेटाइट आयरन ओर ही यूज होता है अपना ब्लास्ट फर्नेस और रिलेटेड प्रोसेस पे। अभी आयरन ओर है मतलब उसमें गैंग कंटेंट है जितना कम रहेगा उसमें कम रख के अपना हेमेटाइट आयरन ओर है ब्लास्ट फर्नेस में रॉ मटेरियल जैसा यूज होता है। अभी उसके बाद है अपना जो ब्राउन ओर जैसा रहेगा लिमोनाइट, और इसमें जो ग्रे कलर जैसा रहेगा अपना कार्बोनेट ओर है। अभी ऐसी ये कलर देख के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रिलेटेड है जो गैंग कंटेंट रिलेटेड में जिस मतलब में उसमें जो जो कॉम्पाउंड गैंग कंटेंट रहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।